हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस पे आपका। डिकोड एग्जाम डिफेंस को आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखिए। सीडीएस का एग्जाम लगा हुआ है और बच्चों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लेके आए हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर थोड़ा सा भी ध्यान कर लोगे तो दो चार क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएगा। इस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट। बच्चों, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट पर मैंने एक सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, उसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व पर मैंने पूरा अच्छे से बताया है, समझाया है, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, देख सकते हो, ठीक है। उसको देखने के बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन जनरेट हो रही तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज उसी के पार्ट में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं और उस लेवल को समझते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। देखो, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, है ना, जैविक और अजैविक चीजों का मिश्रण होता है ना, और इन्हीं के बीच का जो बैलेंस होता है वही इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट इज अ बैलेंस बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक और जैविक चीजों के बीच का जो बैलेंस होता है इसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब जब ये बैलेंस में बिगड़ता है, दोनों में से जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो सब चीज़ें बैलेंस है, बट दिक्कत कब होती है? जब दोनों में एक ज़्यादा एक कम, तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट इशूज, है ना। अब इन्वायरमेंट के सामने हमने पिछले लेक्चर में, उन तीन लेक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था तीन इशूज़ हैं। एक है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस और तीसरा है ओजोन, है ना। तो उन तीनों इश्यूज को मैंने वहां पर डिस्कस भी किया था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के थ्रू आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको मैंने सब समझाया, ठीक है। इसके बाद ओजोन के बारे में भी मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर भी, मैंने आपको विस्तार पूर्वक ज्योग्राफी के पार्ट में ही बताया था डिटेल में और इन्वायरमेंट के पार्ट में बताया। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट लेके आती हैं और इन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो ग्लेशियर है, है ना, वाटर जो है उनमें 50% से ज़्यादा जमा हुआ है फ्रोजन फॉर्म में, और जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनके पिघलने से क्या हो रहा है, इनके पिघलने से वाटर का लेवल राइज कर रहा है और राइज करने से क्या हो रहा है, हमारे एक अलार्मिंग इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। सी लेवल राइज कर रहा है तो लैंड डूब रहा है और सारा पानी पिघल गया तो सारा लैंड डूब जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं, है ना, हमारे जो तीन इश्यूज हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला इशू आपका बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दूसरा इशू जो है, दूसरा इशू आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तीसरा क्या है, तीसरा जो इशू है वो आपका बायोडाइवर्सिटी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद हमारे पास जो तीसरा इशू आता है वो आता है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्षयकरण, तो ये तीन इश्यूज मोटे मोटे हैं। इन तीनों इश्यूज में देखो, ये वाला पूरा इश्यूज मैंने आपको बताया, ठीक है, डिटेल में तीन लेक्चर जो बने हैं उस पर देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन के बारे में मैं आपको एटमॉस्फेयर चैप्टर में पूरा बता चुका हूँ, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हो, है ना, ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर पार्ट पर। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो देखो, हमारा अर्थ जो है, अर्थ सन से हीट लेता है और फिर उसको हीट वापस देता है। लेने और देने के दौरान क्या होता है, जितनी हीट लेता है
और जितनी हीट देता है, इसके बैलेंस को हम बोलते हैं हीट बजट। क्या बोलते हैं? हीट बजट। अब इस हीट बजट में होता क्या है, सन अर्थ को जो हीट देता है, किसको? हमारे अर्थ को, वो देता है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। शॉर्ट वेव मींस लघु तरंगे, ठीक है। शॉर्ट वेव की एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये बहुत तेजी से अर्थ को गर्म कर देता है। और लॉन्ग वेव्स क्या करता है, अर्थ से हीट वापस लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में जाती है। जो हीट वापस जाती है वो लॉन्ग वेव्स या दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, ठीक। अब आता शॉर्ट में है, जाता लॉन्ग में है, तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास शॉर्ट वेव बहुत तेजी से अर्थ को गर्म कर देती है, लेकिन जितना हीट ली होती है उसे वापस करना है, लेकिन वापस लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है। तो एक जल्दी गर्म होना और देर में ठंडे होने का एक फिनोमिना जनरेट होता है, जिसकी वजह से अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर बनता है, ठीक है। वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों से हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को जनरेट कर लिया है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैसें हैं, वो गैसें हमारे अर्थ के चारों तरफ आके अपनी लेयर बना रही है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हीट को अपने अंदर रोकती है, ठीक है। तो जो सन से हीट आती है उसको थोड़ा सा रोक लेती है, जो वापस जाती है उसको रोक लेती है। जब दोनों को वो रोक लेती है तो क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ रहा है। वन अर्थ को ही तो वापस दे रही है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। पिछले 100 साल में अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, ठीक। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक अलार्मिंग इश्यू जनरेट हो गया, ये टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अब ये ग्लोबल वार्मिंग को लाने वाली जो गैसेज हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस फिनोमिना को लेकर आती हैं। ग्रीन हाउस फिनोमिना क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बढ़ाना, तो उस तरह का एक फिनोमिना ये लाती हैं। इस वजह से हम इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, HFC, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसें हैं, इन सारे गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और पोटेंशियल वाली अगर देखा जाए HFC है। HFC कहाँ से निकलती है, हमारे AC वगैरह से निकलती है। तो देखो ये सारे हमारे इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज पर हमारा जो ये लेक्चर है वह समरी वे में है ना, लास्ट मिनट का रिमाइंडर लेक्चर है। रिमाइंडर में ना कि आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं वो मैं बता दूँ। तो हम अब इसमें बात करेंगे। देखो ये तीन इश्यूज को मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इन इश्यूज पर बेस हमारे पास जितने भी सम्मेलन हैं, उन सम्मेलन या सम्मिट्स को हमें देखना है ना। तो हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट सम्मिट्स, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है ना। अब पर्यावरण के सम्मेलन में कई सारे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन जहां से इन सब की शुरुआत हुई, मदर ऑफ ऑल एनवायरमेंट सम्मिट्स है ना, या जो मम्मी कहलाती हैं, वो है आपकी स्टॉकहोम। और आपका स्टॉकहोम पहला जो एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सम्मिट हुआ वो हुआ स्टॉकहोम सम्मिट। स्टॉकहोम एक जगह है, आमतौर पर जितनी भी सम्मिट्स हुई हैं वो किसी ना किसी जगह पे हुई, उसी जगह के नाम पर उस सम्मिट का नाम हुआ है। स्टॉकहोम सम्मिट पर्यावरण के लिए होने वाली सबसे पहली सम्मेलन में से एक है। कब हुआ? 5 जून 1972। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिए 5 जून को आज भी हमारे साल क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ, पर्यावरण दिवस का। लेकिन ये पर्यावरण दिवस हम 72 से नहीं मनाने लगे, एक लैंडमार्क बना, और उसके 2 साल के बाद हर साल 1974 से हर साल हम 5 जून को क्या मनाते हैं, एनवायरमेंट डे। पहली चीज यहां पे निकल के आए, ठीक।
इसमें काफी सारी चीजों के बारे में बात थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर हर चीज को कवर किया गया था, इन्वायरमेंट के हर एक मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और डिस्कस करने के साथ साथ एक एक चीज को यहाँ पर बताया भी गया था। तो अगर हम बात करते हैं स्टॉकहोम के बारे में, तो स्टॉकहोम एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट था। अब इस स्टॉकहोम समिट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, वो क्या निकल के आया, वो पॉइंट था आपका UNEP का गठन, ठीक है। ऑर्गेनाइज हुआ, क्या ऑर्गेनाइज हुआ, UNEP स्टैब्लिश किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। अब स्टैब्लिश बोले तो ज्यादा बेटर है, तो हम भी बोल सकते हैं इसको स्टैब्लिश किया गया, किसको, UNEP, है ना। कब स्टैब्लिश किया, 1972। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, आज भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, UNEP किस समिट के थ्रू हुआ, इसी समिट के थ्रू, और इसमें ये बात आई। तो देखो, हमें समरी जाननी है तो समरी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब स्टॉकहोम समिट हुआ, इसके बाद कई सारी समिट होने लगी रेगुलर बेसिस पर, है ना, कई सारी समिट्स हुई, उनमें कोई खास चीजें, खास बात नहीं निकल के आई। टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा, पहली समिट हो गई। अब देखो, स्टॉकहोम हमारे पास पहली समिट है, लेकिन इससे पहले भी एक समिट हुई थी, ठीक है, इन्वायरमेंट पे नहीं, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी बेस्ड थी, ठीक है। उस समिट का नाम था रामसार समिट, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसार समिट हुई, है ना। और ये किससे रिलेटेड है, ये आपका वेटलैंड से रिलेटेड है। एंड रामसार इज अ प्लेस इन ईरान, कहाँ पर है प्लेस, ईरान में। तो ये तीन चार पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड हिंदी में से बोलते हैं आदत भूमि। इट इज अ ब्रिज और कनेक्टिंग एरिया बिटवीन लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर के बीच का जो मेन एरिया होता है, दोनों को जोड़ने वाला एरिया, उसे हम बोलते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाए जाने की वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामसार सम्मेलन और रामसार डे हम हर साल कब मनाते हैं, वेटलैंड डे, सॉरी, वेटलैंड डे हम हर साल कब मनाते हैं, 2 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम हर साल ये दिन कब मनाते हैं, 2 फरवरी को, ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है रामसार समिट के बारे में, ठीक। वेटलैंड इंडिया में कितने हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी वेटलैंड की संख्या बढ़ गई है, टोटल 37 हो गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब ये तो बात हो गई वेटलैंड के बारे में, अभी जो रिसेंटली 10 नए वेटलैंड जुड़े हैं उनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना, मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो, आपका स्टॉकहोम हुआ तो मदर ऑफ ऑल एनवायरनमेंट समिट्स, ठीक है, वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, एनवायरनमेंट के अंदर एक हिस्सा है। अब इसके बाद बहुत सारे समिट्स होते रहे, ठीक है। इसमें हमारे पास अगला समिट आता है दूसरे नंबर पे, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वियना समिट, है ना। वियना एक जगह है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी ऑस्ट्रिया में, है ना, यूरोप में। अब अगर हम वियना की बात करते हैं, है ना फ्रेंड्स, तो वियना की जब हम बात करते हैं तो वियना 1985 में हुआ, और ओजोन के लिए होने वाला फर्स्ट समिट था, इसे याद रखिएगा। इसमें कोई खास बात नहीं हुई, बस क्यों हो रहा है ओजोन होल, बेसिकली ओजोन नहीं, ओजोन होल अगर हम वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ओजोन छिद्र के लिए होने वाला ये पहला समिट था। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब चीजों पर यहाँ पर डिस्कस किया गया, लेकिन कोई खास बात नहीं निकल के आई। फिर खास बात कहां से निकल के आई, हमारे एनवायरनमेंट के अगले समिट पर, समिट नंबर 3। समिट नंबर 3 का नाम है आपका मॉन्ट्रियल, समिट नंबर 3 का नाम क्या है आपका, मॉन्ट्रियल समिट। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस इन कनाडा, एक जगह है, कहां पर जगह है, कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल समिट काफी लैंडमार्क समिट है, कब हुई, 16 सितंबर 1987, ठीक है। मॉन्ट्रियल समिट 16 सितंबर 1987 को हुई।
और ओजोन के लिए या ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के क्षयकरण के लिए होने वाला सबसे बड़ा समिट था, इसे याद रखिएगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं किसमें, मॉन्ट्रियल में, तो मॉन्ट्रियल में एक वर्ड आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, किससे संबंधित है, ओजोन के क्षयकरण से, ठीक है। दूसरी चीज, 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, तो भैया हर साल हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 87 में आया लेकिन एप्लीकेबल 89 में हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। और अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ओजोन के लिए होने वाला सबसे बड़ा सम्मिट है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे दो सम्मिट्स हैं, इनको ध्यान रखोगे तो ये सम्मिट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनता है। डेटा अगर आपको क्लियरली पता है, और क्वेश्चन में आपको डेटा ही के साथ ही मैनिपुलेट किया जाता है यूपीएससी के पेपर में, है ना, जैसे सीडीएस का पेपर है तो डेटा का मैनिपुलेशन बहुत होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान कर लेना। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम चौथे सम्मिट्स पर, है ना। चौथा सम्मिट, जैसे मम्मी आ गई है पापा के आने के बाद ही, पर मम्मी जो होती है वो बैकग्राउंड में काम करती है, पापा जो होते हैं वो मेन स्ट्रीम में होते हैं, उनका नाम हर जगह होता है। तो पर्यावरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सम्मिट जो है वो है आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, है ना। ये पर्यावरण के लिए होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सम्मिट था, ठीक है। ये कब हुआ, ये एग्जैक्टली स्टॉकहोम के लगभग 20 साल के बाद हुआ, है ना। तो स्टॉकहोम 72 में हुआ, 72 प्लस 20 करोगे तो 1992। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो चीजें हमने पिछले वाले स्टॉकहोम समिट में शुरू किया था उसका एक तरह का एक्सपेंशन, एक तरह का रिव्यू, सारी चीजें करनी थी, तो इसीलिए ये काफी बड़ा समिट था, है ना। और इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, इसे याद रखिएगा, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन, है ना। और ये काफी बड़े लेवल पर हुआ था, इसमें काफी सारी चीजें निकल के आई थी, क्या क्या चीजें निकल के आई थी उसको मैं बता देता हूं आपको। देखो ये जो रियो था, रियो में हमारे पास तीन बड़ी चीजें आई, ठीक है। पहली चीज जो थी वो था आपका एजेंडा 21, है ना। दूसरी चीज जो थी वो थी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज जो यहां पर निकल के आई वो थी UNFCCC। तो देखो यहां पर तीन चीजें आई, इसमें सबसे पहला आया आपका एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 क्या था, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर UNFCCC। ये सबमिट से सारी चीजें क्या होने लगी, बनने लगी। तो सबसे पहले आपके पास आता है एजेंडा 21। अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 में 21 क्या है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एजेंडा 21 में कितने एजेंडा थे ये पूछा जाता है, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर यही सब लगाते हैं 21 एजेंडा ही है, नहीं। देखो पहली चीज तो इसमें 21 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, 21 इंडिकेट कर रहा है 21वीं शताब्दी को, 21st सेंचुरी को ये इंडिकेट कर रहा है,
21st सेंचुरी, ठीक। इसमें एजेंडा कितने थे भैया? इसमें मूल रूप से चार एजेंडा थे, चार पार्ट में थे, उसके फिर सब पार्ट थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो एजेंडा 21 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ये 21वीं शताब्दी का एक एजेंडा है जिसके अंदर चार मुख्य बातें थी, जिसमें सारा काम आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, पेड़ों को लगाना, यही सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई थी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इस चार एजेंडाओं को देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में आ जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में आपका यूपीएससी लेके नहीं जाएगा आपको, है ना। इसके बाद हम आते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर पे आता है हमारे पास दूसरी चीज की आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में इसे बोलते हैं सतत विकास, सतत विकास। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सतत विकास की बात करते हैं, तो पहले हमें ये चीज सोचना है, समझना और जानना है। ये उस टाइम की एकदम नई आई हुई चीजों में से एक था, एकदम न्यू बॉर्न बोल सकते हैं, नया बच्चा पैदा हुआ था, है ना, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड सबसे पहले 1987 में कॉइन किया गया। कब कॉइन किया गया? इट वॉज कॉइन इन 1987 बाय अ कमेटी नेम ब्रुटलैंड कमेटी। किसके द्वारा कॉइन किया गया? ब्रुटलैंड कमेटी। इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, है ना, उस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। ब्रुटलैंड एक जगह के प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप में से कोई कमेंट सेक्शन बताएगा ब्रुटलैंड कहां के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं ब्रुटलैंड कमेटी ने सबसे पहले कॉइन किया कौन सी बात को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के टाइम में बहुत बड़ा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो स्थिर हो, रुका हुआ हो और जो निरंतर हो रहा हो, है ना, या एक ऐसा डेवलपमेंट जो अगर हम आज कर रहे हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन को इससे कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी निगेटिव फॉर्म में, या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। या फिर इसको और जनरलाइज तरीके से बात करें तो भाई डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए एनर्जी या रिसोर्सेस, है ना। तो ऐसा डेवलपमेंट हम करेंगे जिसमें ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास डेवलपमेंट या रिसोर्सेस, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है, रिसोर्सेस को ऐसे इस्तेमाल करना। रिसोर्सेस आपके पास दो तरह के हैं, पहला आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा आपका है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, नवीनीकरण स्रोत, और नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरण स्रोत, ठीक है। तो वो जिसको रिन्यू कर सकते हैं ऐसे स्रोतों पर ज्यादा निर्भरता बनाई जाए, है ना। ऐसा ना हो कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? कोल, है ना। अब कोल तो एक नियमित रूप से भंडारित है ना, उसका भंडार या इसका स्टोरेज फिक्स है। अगर हम लगातार कोयले को इस्तेमाल करते चले गए तो आने वाले टाइम में कोयला खत्म। जब कोयला खत्म तो क्या करेंगे हम? अपने बच्चों को, अपनी जनरेने वाली जनरेशन को क्या देंगे? ये बोलेंगे देखो बेटा ये कोल होता था और हमने इसको खत्म कर दिया, और कोयले की फोटो पर एक माला लगा के बता देंगे कि देखो बेटा ये कोल है अब खत्म हो गया। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें, ये मैसेज पहुँचाना है, और रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स को हमें ज़्यादा यूज़ करना है। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको रिसाइकिल करना या जिसको बनाना आसान है, है ना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी जो है ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। कोयला जो होता है इसको बनाना आसान नहीं होता, है ना। कोयला जो होता है ये एक फॉसिल फ्यूल है, है ना, और ये फॉसिल फ्यूल जो होता है जीवाश्म या जीवों के मरने से, उनके मरने के बाद ज़मीन में जो बोल सकते हैं कि बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा बनता है,
तो इस लंबी प्रक्रिया के द्वारा या लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा जो बनता है तो ये काफ़ी लंबे लंबे जनरेशन ले लेता है ना। आज के जो आप कोल देखते हैं कई हजार साल पुराना प्रक्रिया है जो आज कोल को बना रही है। तो इसीलिए कोल जो होता है कोल को बनाना आसान नहीं होता है, इसीलिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा था वो यही था, इसे याद रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, इन्वायरमेंट को इसमें नुकसान कम हो, है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही जनरलाइज में बताया, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़ है ये, इतनी बड़ी चीज़ है कि इस पर मैं कई घंटे बोल सकता हूँ लगातार, है ना, और इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको चीज़ों से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो बहुत दूर तक फैल गया, हमारे सोशल इशूज़ भी इसमें आ चुके हैं, है ना। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपस में इंटरलिंक है, बहुत बड़ी चीज़, ठीक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और बात भी करेंगे। यूएन क्या करता है, यूएन एक टारगेट रखता है, ठीक है, हर 15-15 साल का। तो उसने एक टारगेट रखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015, है ना, पूरी दुनिया के लिए जो जितना अचीव कर ले, है ना। अब उसने क्या किया, 2015 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है, सतत विकास लक्ष्य, यहीं से कॉन्सेप्ट आया। अब उसमें 17 टारगेट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन का ये आपका दिया हुआ टारगेट है, और इसमें 17 टारगेट है, कितने, 17, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक, टारगेट है। ये टारगेट को अगर आप याद रखोगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, 17 टारगेट है, इसमें पानी एक इशू है, ठीक है, पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस लक्ष्य के अंदर पानी है, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, 17 लक्ष्य है, एक बार 17 के 17 लक्ष्य को देख लोगे बस, फिर कुछ नहीं करना है। पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 14-15 जितना भी इंडिया में स्कीमें चलती हैं वो सब यहीं से चलती हैं, है ना। हमारे गवर्नमेंट का भी आजकल का चल रहा है हर घर जल, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक लक्ष्य ही है जो भारत में लाया जा रहा है। इसी तरह से जेंडर इक्वालिटी, सर्व शिक्षा अभियान, जो पुराने जितने भी हमारी पॉलिसीज थी वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत चली थी, और इसमें भी है, है ना। तो ये बहुत वाइड टर्म है और इसको बहुत लंबे एरिया में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने बात कर लिया, अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट का नाम है UNFCCC। अब UNFCCC का फुल फॉर्म, UN मतलब यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, F फॉर फ्रेम वर्क, C फॉर कन्वेंशन ऑन, अगला C क्लाइमेट, और अगला C चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाना, कन्वेंशन मतलब संधि, और किसके ऊपर संधि, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। तो भैया यहाँ पर एक मतलब एक संधि हुई, ठीक है, जिसमें यूनाइटेड नेशन मतलब दुनिया भर के ज़्यादातर बड़े बड़े नेशंस, लगभग 150 से ज़्यादा देश इसमें जुड़े हुए थे, और जिन्होंने मिलकर एक फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा बनाया जिसमें एक संधि हुई, वो संधि किसके ऊपर हुई, जलवायु परिवर्तन के ऊपर। और फिर क्या हुआ, UNFCCC इसको ऑर्गेनाइज करने वाला एक बोल सकते हैं बॉडी बन गया, और धीरे धीरे करके UNFCCC अपनी मीटिंगें करने लगा, ठीक। तो यहाँ पर UNFCCC का अस्तित्व आया। तो UNFCCC कब आया, 1992 रियो में आया। अब UNFCCC आने के साथ ही एक नए आयाम शुरू हुए, और यहाँ से ये अब जो पर्यावरण की मीटिंग होने लगी थी इनको हम बोलने लगे अब कोप, COP। कोप ऐसे कई जगह पर यूज होता है, इन्वायरमेंट मीटिंग या जितनी भी समिट्स होती है उनको अब कोप ही बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात हुई। और COP की अगर हम बात करते हैं, कोप के बारे में बात करते हैं, तो कोप जो UNFCCC के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रहा था, अब इसने कोप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, और पर्यावरण की जो सम्मेलन या इन्वायरमेंट के जितने भी समिट्स हैं उनको हम कोप के फॉर्म में जानने लगे,
और जो हमारे पास पहला कोप हुआ वो हुआ आपका 1995 में बर्लिन जर्मनी में, ठीक। और यहां से लगातार पर्यावरण की मीटिंगों को एक नया रेगुलेशन और एक नई गाइडलाइन मिलना शुरू हुई। अब क्या हुआ, अब इन सब में नई नई बातें आने लगी। और इस कोप में जो इंपॉर्टेंट कोप था वो था आपका 1997 वाला कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कहां हुआ, जो जापान में हुआ, ठीक। जापान में कहां, जापान में कोयोटो में, है ना, कोयोटो जापान का एक शहर है। और इसी में एक वर्ड आया कोयोटो प्रोटोकॉल। अब ये कोयोटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है ना, लेकिन मैं आपको एक जनरल समरी बताऊंगा, ठीक, और इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। देखो कोयोटो प्रोटोकॉल जो था, ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियम कानून। तो यहाँ पर एक नियम कानून बनाए गए, ठीक है, क्योंकि ये कोयोटो में हुआ था इसलिए उसे कोयोटो प्रोटोकॉल कहा गया। और ये नियम कानून किससे रिलेटेड थी, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, ठीक है, इनडायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपको ये भी मिल सकता है एग्जाम में कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड था क्या, कोयोटो प्रोटोकॉल। तो जब हम कोयोटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो कोयोटो प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आता है ना। अब कोयोटो प्रोटोकॉल क्या था, ये एक तरह का लगाम था, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी आया, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कई सारी चीजें इसमें आई, है ना। लेकिन इसको बहुत जनरल तरीके से देखें तो एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को। इसमें एनेक्जर्स बनाए गए, और एनेक्जर वन एनेक्जर टू के थ्रू डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्री को एक तरह से बाउंड किया गया, और उनके कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को लिमिटेड किया गया। किस तरह से लिमिटेड किया गया, देखो इसमें दो पैमाने थे, एक डेवलप कंट्रीज का, है ना, और दूसरा आपकी डेवलपिंग कंट्रीज का, इसको याद रखिएगा, ठीक, एक डेवलप कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री, ठीक। डेवलप कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उसको कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा एमिशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जितना करना था कर चुकी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री क्या है, उस फेज में जो आपका बोल सकते हैं अभी डेवलप होने वाली है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अभी एमिट करना है। तो दोनों के लिए कार्बन एमिशन की एक लिमिट बना दी गई, है ना, क्या बना दी गई, लिमिट, कार्बन एमिशन की लिमिट बना दी गई। अब इस लिमिट के अंतर्गत क्या किया गया, सबको लिमिटेड किया गया कि भैया आपकी एक लिमिट है। लेकिन अब डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की दोनों की सेम लिमिट तो नहीं बना सकते, क्योंकि डेवलप कंट्री बहुत आगे भी चल रही है, मतलब बोल सकते हैं कई जनरेशन आगे, और डेवलपिंग कंट्री उसके पीछे चल रही है, वो डेवलप होने की कगार में है। तो अब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यूएस फ्रांस यूके ये सब डेवलप कंट्री है, तो इसको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसमें ध्यान रखते हैं और बात करते हैं, है ना, तो देखो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को अगर देखते मद्देनजर रखते हुए, डेवलप कंट्री की जो लिमिट है वो कम रखी गई है कि नहीं, और डेवलपिंग कंट्री की जो ये लिमिट है वो ज्यादा रखी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो डेवलप कंट्री की सपोज करो लिमिट रखी गई कार्बन एमिशन की 100, और डेवलपिंग कंट्री की रखी गई क्या लिमिट, इसकी लिमिट रखी गई आपकी 150, क्या रखी गई 150, ठीक। लेकिन अब हो क्या रहा है, डेवलप कंट्री तो ज्यादा ही करेगी, तो वो मापोस करो उससे एमिशन किया कार्बन डाइऑक्साइड का 120, कितना कर दिया 120। अब जब इसने 120 का एमिशन कर दिया, ज्यादा का एमिशन या उत्सर्जन कर दिया, तो इस ज्यादा के उत्सर्जन करने पर कितना ज्यादा कर दिया
20 का ज्यादा कर दिया। अब जब इसने 20 का एमिशन ज्यादा कर दिया तो इस 20 के ज्यादा एमिशन के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स, है ना। और सपोज करिए कि ये डेवलपिंग कंट्री भारत है, इसकी लिमिट रखी गई 150, लेकिन ये एमिट कितना कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ 100, तो ये कितना कम रह गया, 50। अब ये 50 कम है तो भैया इस 50 से कम का क्या है, उसको मिलेगा कार्बन क्रेडिट, है कि नहीं। तो देखो कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और इससे क्या हुआ, कार्बन की ट्रेडिंग होने लगी, कार्बन का व्यापार होने लगा। तो यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात आई कि पूरे दुनिया का कार्बन अगर हम फिक्स कर दें तो बढ़िया है। अब क्या है, जिस देश के पास कार्बन क्रेडिट ज्यादा है, लोग उस देश में जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, है ना, और नए नए आयाम या अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू चीजें बढ़ रही हैं, जिसे हम FDI ब्याज बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से क्या है, दूसरे देशों में आप अपना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, और क्यों, आप वहाँ के कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट ले रहे हो, और उस देश को भी ये बेनिफिट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे पास कार्बन की ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आई। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने आपको एक अच्छे से सीधे सतह डायरेक्ट वे में समझाया है, इसको कई सारे टेक्निकल तरीके से समझाया गया है, मैंने सारी टेक्निकलिटी हटाकर बहुत ईजी गोइंग वे में बताया है, है ना। वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन कभी विस्तार पूर्वक मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था, जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड था, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, ठीक। अब यहाँ से कोप होना शुरू हुए, लगातार पर्यावरण के विभिन्न सम्मेलन होने लगे और होते चले गए, ठीक है, लगातार सम्मिट्स होती चली गई, है ना, और हर साल एक सम्मिट हो रही थी, ठीक। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था, इसकी शुरू, देखो इस पर बड़ा बहस हुआ, क्यों, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें नहीं आना चाहते, US इससे बाहर हो गया, चाइना बाहर हो गया, बड़े बड़े देश इससे बाहर हो गए, लेकिन फिर भी किसी तरह से खींचतान के क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हो गया, और कब तक चला, 2015 तक, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था, एप्लीकेबल कब हुआ, 2005 में, और इसकी समय अवधि कितनी, 10 साल की, 2015 तक। तो 2015 तक क्योटो प्रोटोकॉल को चलाना था, लेकिन जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा, इसको लेकर काफी सारी आपत्ति आने वाली थी और कई सारी चीजें जनरेट होने वाली थी। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पे हमें बात करनी है, है ना, और इसको जानना है। और इसको हम सोच रहे हैं कि इस, देखो ये इसके बाद वाला जो फेज है, अभी क्या है, अभी मैंने आपको पूरा 2005 से 15 के बीच क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बता दिया, ये अप्लाई हो गया। तो 2015 तक मैंने खींच तान कर आपको पर्यावरण के सम्मेलन का एक समरी दे दी। अब 2015 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रहा था तो क्या होना था, कैसे होना था और किस तरह से होना था, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। उस पर क्या था, नए चीजें भी आपको समझ में आएंगी। 2015 में आ गया आपका पेरिस समझौता, पेरिस सम्मेलन। तो इस पेरिस सम्मेलन और पेरिस समझौता को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे कि उसमें कैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और आज के टाइम में इसका सिनेरियो क्या है। आज जो पर्यावरण के सम्मेलन करंट अफेयर में इतने आते हैं, तो वो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी शुरुआत देखो इस तरह से हुई, ठीक है। आपको मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बहुत ही जल्दी जल्दी फटाफट बता दिया, ताकि आपको वो एकदम क्लियर हो जाए और ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। अभी इसका जो पार्ट, अगला पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं पूरी चीजों को एक साथ जोड़ दूंगा, तो आपके पास एक टाइमलाइन तैयार हो जाएगी, है ना। और जब ये टाइमलाइन आपको क्लियर हो जाएगी तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे आप उसे बहुत आसानी से कर लोगे। तो गाइज आई थिंक कि आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिकोड एग्जाम डिफेंस। वहाँ से आप अगर एक्टिव होंगे तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी समस्या परेशानी है, चाहे वो CDS की हो, NDA की हो, चाहे FCAT की हो, या फिर आपके XY की हो, तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हो, है ना। XY का पेपर आ रहा है, नवंबर में उसकी डेट्स है, दिवाली से पहले, दिवाली धमाका आप लोगों के लिए तैयार है, वही उसके लिए तैयार रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा तो भैया लाइक शेयर करते जाइएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के और वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।